चाल ढाल बदल देते हैं, ये सब रूप सजा देते हैं। अरे ये चुनाव है भैया, ये हर घर में जोर से चला देते हैं। आज है 25 जनवरी और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि सूर सदन में कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए आगे आपको इसकी आपको झलकियां दिखाते हैं। कुछ ही सेकंड्स शेष हैं वोट सेरेमनी में। भारत निर्वाचन आयोग 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020 के अवसर पर शपथ ग्रहण करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह और दाया हाथ ऐसे बात ही है, यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। शांत हो जाइए। अब मैं जो बोलूंगा उसको आप रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय लोकतंत्र। थैंक यू। कृपया करके जैसे हॉन करें रिक्वेस्ट करें, पापा ड्राइवर भैया प्लीज हॉकिंग मत करिए। कोई बात नहीं, हम 20 सेकंड लेट पहुंच जाएंगे बट हॉकिंग नहीं करेंगे। नॉइज पॉल्यूशन से हमें बहुत परेशानी है, तो ये दो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। लेकिन मेरी टीम को बहुत बधाई कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगली बार और अच्छा प्रोग्राम करके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। Thank you.
आपकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे देश को कि कितनी साक्षरता होनी चाहिए, लोगों को साक्षर करेंगे उसके लिए मतदान? आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ मनाया गया सूर सदन में, बच्चों की उपस्थिति में बहुत सारे आए थे, कुछ ऐसे भी थे जो पहली बार वोटर बने उनको कार्ड दिया गया। एक हमारे लिए चिंताजनक बात है कि हमारा विगत जो एक्सपीरियंस है लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 62% जो हमारा वोटर परसेंटेज था, अपील कहेगी कि सबके सहयोग से उसको हमें कम से कम 70 से ऊपर लेके जाना है। इसके लिए बीच में जो हमारा अभी चलेगा अभियान उसको ठीक से काम करेंगे, जो सीट एक्टिविटी होगा उसको और फोकस करके उस पर ध्यान दिया जाएगा। मतदाता दिवस का सिर्फ और सिर्फ वोटर परसेंटेज से ही नहीं था बल्कि हमारा जो मतदाता जो हमारा रजिस्टर हमारा बना हुआ है यहाँ। हमने 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, इसमें कुछ बोलिए कि लोगों को कितना साक्षर होना जरूरी है मतदान के लिए। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस में ये कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा पर्व है लोकतंत्र का, इसमें हर व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया और जो मतदाता बन चुका है 100% व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, इससे देश का भविष्य तय होता है। हर व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और स्वेच्छा से मतदान करना चाहिए, न किसी लालच में न किसी दबाव में। हर व्यक्ति को स्वेच्छा से मतदान करना चाहिए, इससे देश का भविष्य तय होता है। हम अच्छे लोगों को चुने जिससे विकास के रास्ते खुल सके। धन्यवाद। सर आज जैसे कि हमने 10वां अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूरा किया है, तो सर उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे, मतदान क्यों जरूरी है? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मतदान बहुत जरूरी है और हर एक देश के नागरिक को मतदान जरूर करना चाहिए, ये लोकतंत्र की ताकत है पूरी। और जितने भी लोग मतदान करना चाहते हैं तो वो सबको करना चाहिए, मतदान बहुत जरूरी है। मतदान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूर्ण किया है आज 10वां, तो आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे, देश से कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं बोलना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते रहे हैं कि हमारे भारत वर्ष में मतदाता को लेकर बहुत ही समस्याएं रही हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाओं को अभी तक इस चीज़ की जानकारी नहीं है और यह मतलब पता भी नहीं है कि मतदाता होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, और वोटर कार्ड भी नहीं होता। तो ऐसा ही एक आज 10वां मतदाता जागरूकता दिवस का बनाया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जिला अधिकारी महोदय रहे और सभी स्कूल्स के बच्चे ने भाग लिया और यहाँ पे आने का पूरा रहा सूर सदन पर, और उन्होंने पूरा संदेश दिया, मतलब पूरा आगरा वासियों को संदेश दिया कि मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में और मतदाता मतलब मतदान बहुत जरूरी है, आने वाले समय में कुछ अच्छा डिसीजन ले सके, कुछ अच्छी सरकारें बना सके, या लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मतदान दिवस बनाया गया है, उसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय जी रहे। मतदान करना सभी व्यक्तियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम मतदान से अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छी सरकार नियुक्त कर सकते हैं। मतदान से ही हमारा देश का पूरा देश का सही तरीके से विकास होता है। हमें मतदान उसको देना चाहिए जो हमारी सरकार को सही चला सके और उसका निर्माण कर सके।